हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं GPH बुक्स। वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के इम्पॉर्टेंट आंसर्स। यस फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस जो जुलाई 2022 एंड जनवरी 2023 सेशन के लिए वैलिड है, आप देख सकते हैं। ये आपको इग्नू के पोर्टल पर भी अवेलेबल हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आपके शॉर्ट नोट्स के आंसर्स। यस फ्रेंड्स, सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये आपका असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं और सबमिट कराने होते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स के मार्क्स आपके डिग्री को पास करने के लिए या किसी भी प्रोग्राम को पास करने के लिए इक्विवेलेंट होते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट्स रेफरेंस मटेरियल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ BEGS 185 इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शॉर्ट नोट्स की। आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट लैंग्वेज डिसऑर्डर। फ्रेंड्स, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है जिसके बारे में मैं आपको आंसर्स बताने वाली हूँ। या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो आंसर इज चिल्ड्रन हु आर बैकवर्ड इन लैंग्वेज डेवलपमेंट आर ईदर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड। देयर मे बी सम हु डू नॉट हैव दीज प्रॉब्लम्स एंड आर स्टिल बैकवर्ड इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट। चिल्ड्रन विद द लैंग्वेज डिसऑर्डर डिस्प्ले द फॉलोइंग बिहेवियर्स एंड सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स एंड बिहेवियर्स हैं वो जो बैकवर्ड होते हैं चिल्ड्रन अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट में, उनके अंदर ये होते हैं। इट कुड बी कि वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हों या हियरिंग इम्पेयर्ड हों, बट हो सकता है इसमें से कोई भी रीजन ना हो। सिम्टम्स में आपको बताने वाली हूँ। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, डिफिकल्टी इन प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज फॉर एक्सप्रेशन, डिफिकल्टी इन ऑडिटरी परसेप्शन, डिस्क्रिमिनेशन एंड सिक्वेंसिंग, डिफिकल्टी इन रिदम बोथ ऑफ स्पीच एंड इन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक डांसिंग, पुअर इन एक्सप्रेशन इन स्पाइट ऑफ नॉर्मल ऑडिटरी परसेप्शन, परसिस्टिंग विद द बेबी टॉक। ओके, सो आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके असाइनमेंट्स के लिए। BEGS 185 का ये आंसर है फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द आंसर। बाय कंपेयरिंग द चाइल्ड स्पीच स्ट्रक्चर्स विद द नॉर्मल स्पीच स्ट्रक्चर्स वन कैन सरमाइज वेदर द चाइल्ड लैंग्वेज इज सिंपली डिलेड और देयर इज अ डिफिसिट। इट इज हाउ एवर नॉट वाइज टू कम टू अ कंक्लूजन इन हेस्ट। We also need to study the child system in communication and look for the following clues. The number one is whether the child engages in the conversation spontaneously or not, whether he or she answers questions or not, whether he or she imitates well or not. Okay, so आपको ये एक short note लिखना था friends development language disorder के बारे में, जिसमें आप पहले बताएंगे कि main reason क्या हो सकता है, उसके बाद आप symptoms and behaviors बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि वो क्या reason हो सकता है या क्या चीजें होती हैं उसको नोटिस करने के लिए। तो दिस इज ओनली फॉर 5 मार्क्स, तो इतना आपको मोर देन इनफ है किसी भी शॉर्ट नोट में लिखने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शॉर्ट नोट। ओके, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विजुअल मोटर डिफिकल्टीज। सो द आंसर इज व्हेन चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रिवर्स्ड एंड नॉन रिवर्स्ड वर्ड्स लाइक बर्न। लाइक दीज आर दी एग्जाम्पल्स यू कैन नोट डाउन फ्रेंड्स। यहाँ पर ये आपको एग्जाम्पल बताए गए हैं जो रिवर्स एंड नॉन रिवर्स वर्ड्स होते हैं, अगर वो उसके बीच में डिफरेंट फाइंड नहीं कर पा रहा, सो दैट कैन बी अ विजुअल मोटर डिफिकल्टीज। ओके, दे हैव अ प्रॉब्लम इन द विजुअल सिक्वेंसिंग एंड दो दे बिगिन टू डिकोड वर्ड दे गो बाय साउंड क्लूज अलोन एंड दस टेंड टू मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स लाइक टॉक और टॉक। दे माइट ऑल्सो रीड फॉर इंस्टेड ऑफ From or white as which. Similarly, if they are asked to close their eyes and the teacher asks, how many fingers am I touching? These children cannot tell from touch alone. Such children are likely to develop reading difficulties. Such learner also have problems in drawing figures in the correct orientation, drawing open or closed figure and drawing correct number of dots in a figure. Some of the children fuse letters and may read close as doors or may omit or add letters to the words they are reading. They also tend to lose their place while reading and may miss lines or retrace lines. So these were the short notes friends. आज ये दो short notes मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। I am sure आपके लिए ये बहुत ही helpful होने वाला है। So आप इसको एक बार जरूर देख लें friends।
और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस दी बेल आइकन। आपको चैनल पर आने वाले समय में ऐसी बहुत सी वीडियो मिलने वाली हैं जो आपके सेशन से रिलेटेड होने वाली हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड होने वाली हैं, और चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड अवेलेबल चैनल्स पर वीडियो ऑलरेडी है, सो आप देख सकते हैं। सो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।